देखो सुनो आल्डिहाइड रा एबे लास्ट आल्डिहाइड कीटोन चैप्टर रा लास्ट लेक्चर एटा एथेरे किछटा इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आंसर आकार रे तुमको मु कहबी हला क्वेश्चन आंसर सहित ताको डिस्कशन कर देबी सो दैट चैप्टर टा शेष हो जाई पारिबो ठीक अछि ठीक अछि सुन एथेरे कोन अछि ना सफा फास्ट रिएक्शन गोटा अछि ना रिएक्शन कहार एल्डिहाइड कीटोन रा रिएक्शन विथ कौन ना अमीन्स अमीन सहित एक एमिति रिएक्शन दिए ठीक अछि मन रखिथिबो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विथ 1 डिग्री अमीन ता सहित 1 डिग्री अमीन हां 1 डिग्री सहित ही हे परबो हां 2 डिग्री रे दबानी रिएक्ट्स विथ 1 डिग्री अमीन टू फॉर्म कोन कहली स्किप्स बेस ले तो तुमको पढ़ाई सर ची ये रे स्किप्स बेस टाइप रा कंपाउंड ऑलरेडी हाइड्रोजन से तो पढ़ाई सर ची ता रिलेटेड रिडक्शन उल्फ किस्न रिडक्शन भी पढ़ाई सर ची एटा अगेन आसुच तो एल्डिहाइड ने गली RCH डबल बॉन्ड ओ NH2 अछि प्राइमरी अमीन माने कोन थिबो NH2 एबटे एल्केन ग्रुप लागि थिबो तो एठ नै जीव कोन H2O तो एटा कोन हे जीव RCH डबल बॉन्ड N एपटा R डैश कर दियो एटा थिला अमीन एटा थिला एल्डिहाइड एटा कोन हे जीव तमरो स्किप्स बेस हबा ठीक अछि कीटोन सेम देने जाय परबो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश ये कोन हे गला कीटोन अमीन कोन आर एन एच आर डैश हबा तो एठी कोन हे जीवो ना एमिति तो एठी कोन आसी गला आर सी आर डैश डबल बॉन्ड एन आर ओटा डबल डैश ओके तो एटा हे जीवो स्किप्स बेस कोथिरो ना कीटोन ला फिर भी आना कोन थिबो स्किप्स बेस क्लियर अच्छा एग्जांपल ले तुम कर दे परिबो फॉर्मालडिहाइड टा के CH2 डबल बॉन्ड ओ प्लस कोन हे जीवो एमिति H2 N आर आइठ CH3 पके दियो एग्जांपल तो कलाने आ कोन H2O तो पळेले एपटे कोन हबो CH2 डबल बॉन्ड N CH3 ओके ये कोन हे गला फॉर्मालडिहाइड नहीं थी कहा से तो रिएक्शन कर ची मिथाइल अमीन हबो तमे सेमती एग्जांपल नै जे परिबो CH3 CH डबल बॉन्ड ओ माने एसिटाल डिहाइड ओके एठे कोन हला एच सपोज एठे नै छी C2H5 कर दे करिवे इथाइल अमीन हबो इथाइल अमीन कर दो ला एमते तम इच्छा रे एबे नै के कर दे ठीक अछ वर्तमान गोटे इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन कहिया को जाउ छी ए टाइप रो ला किंतु ए यानु एग्जैक्टली ए यानु हां बहुत ही इंपोर्टेंट रिएक्शन हां प्राय टाइम शॉर्ट क्वेश्चन रे सेटा पछारीवार चांसेस अछि आ एई वर्ष त जेहेतु तमरो कोन हे छि कोविड सिचुएशन अछि त सेथि पई तमरो ए शॉर्ट क्वेश्चन गोडा को मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हिसाब रे रह ला रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ
फॉर्मल्डिहाइड आउ वाल्डिहाइड नो ओनली फॉर्मल्डिहाइड सहित तार रिएक्शन ला काही कि एटा इंपोर्टेंट कोच मन रखि थाओ आगो गोटे लाइन स्टेटमेंट आ लिखि दबो फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया NH3 टू गिव an adduct adduct kahle ota addition product hobo to give directly lekho ete jin sab bon niche nei na lekhi ki to give eurotropin kon kahili eurotropin la eurotropin kon kaam re ase na it is used in eta ota medicine re use hoy ko medicine used in medicine for urinal infection urinal jo gallbladder kiba urinary infection he jae urinal infection ra treatment by medicine re ta use hoy thik ach eurotropin ota medicinal compound acha eurotropin ra structure ta bahi re dekhile bhari dar dar lage la mu ta ko shortest way re kahuchi kemiti ta ko lekhibo bahut important reaction ठीक अच्छे लिखि पारंते ने पिला कष्टर पडंति सबटु सहज होई कहूछि केमेते सहज होई रे लिखिबो ठीक अच्छे कोन करिवो चारिटा दिग अछि त चारिटा NH3 नै जिवो ठीक अच्छे चारिटा NH3 रे ठीक अच्छे केतटा H देखो काउंट करो 4 3 के 12 12 टा H को तुमको वाटर करिके काढनार अछि H2O का करिके काढनार अछि 12 टा H दरकार एटे केते मल्टीप्लाई करियो 6 तो एठे 12 टा एच हले केतेटा ओ दरकार केतेटा 6 टा हला तो 6 टा ओ कोठ आनियार अछि फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड फार्मूला कोन CH2 डबल बॉन्ड ओ HCH ओ ना HC डबल बॉन्ड H ना ए पाटा CH2 डबल बॉन्ड ओ हला तो CH2 ओ लिख दे केतेटा त हले लिखिबि 6 टा ओ पई 6 टा काम असेस एठो कोण पळैले सब ताहले आरो मार्क देली केतेटा ओ पळ H2O पळैले 6H2O बाहर कर दे त माने एठो 12 टा H 6 टा O बाहर कि पळै हेला अर्थात केवल किए रहिला ना देखो एठो 4 टा N अछंत 6 टा CH2 अछि केतेटा CH2 6 टा से तक को नै कि लेखिले तमे यूरोट्रोपिन पाइबो बट लेखियो केमति जानथिले से ना लेखियो चारिटा एन माने केतटा दिग चारटा दिग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारटा दिग रे कोन लिखि देली चारटा एन लिखि दबो हला CH2 टा केमिति जेंस एमिति देखो नैठो ओटे CH2 नै तो देखो प्रत्येक एन भितरे गोटे गोटे एमिति रखि दबो हला त माने एन टा एई एन सहित थ्रू CH2 लागिछ हेला तो ए दि जण को भी n mt ch2 n ch2 n लगे तो केतटा ch2 पळैला 1 2 3 4 चारटा n पळैथिला चारटा ch2 पळैला हला आखरी दिटा ch2 अछि देखलो या भितर गोटा ch2 या भितर गोटा ch2 दे परि हम ए दि जण को कनेक्शन नथिला ए दि जण को कनेक्शन नथिला कर दे बाकी समस्त नथिला ला तो एटा हला तमरो यूरोट्रोपिन कोन कहिले यूरोट्रोपिन लेखिया कष्ट मते त काई लागुनी आ थोर लेखिया सिखो छी एन 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 CH2 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 आटा कह देबी छोटा दबाओ एन 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 जेते थर कहबो CH2 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 सर हला जे पर्यंत लेखन सरची कहि चल कोन हे जाउ छी एन 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 हबो एहे क्वाड लगे देली हबो तमे लगेबो प्रैक्टिस करबो आ कोन ठीक अछि केते यूरोट्रोपिन कर देली गोटे करिया राथा हन नै एतिकी परे आ गोटे इनफॉरमेशन कहूछ जोटा के भेरी भेटा ला
सेटा हला गोटे एक मार्किया क्वेश्चन प्राय टाइम पड़े ठीक अच्छे कौन एक मार्किया क्वेश्चन था व्हाट इज फॉर्मालिन हम कहली व्हाट इज फॉर्मालिन ले तो आंसर ता सु आंसर ता होची फॉर्मालिन होची कौन ना 40% सॉल्यूशन आको सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड कौन कहली 40% आको सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड कौन ना फॉर्मालिन ओके कौन कहा जाए फॉर्मालिन अच्छा 40% एटा इंपोर्टेंट ला अच्छा यार काम कौन यार काम कौन यदि काम न थियो एटा काई के पड़ ला एटा कुए तमे देखि थियो फिश मार्केट रे इट इज यूज्ड फिश मार्केट रे हुए के बाद जूलॉजी जो माने पढ़ थो बटनी जूलॉजी समझ जान थिबो जूलॉजी लैब रे देखियो सांप बेंग सब गोटे सॉल्यूशन भीतर रखाइ छि से सॉल्यूशन टा भी थाए फॉर्मालिन इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व प्रिजर्व कोन डेड बॉडीज ला डेड जिन सब गुडा कर फ्लेश टा डिकंपोज न हे जे पे ता फॉर्मालिन सॉल्यूशन रे बुडे की रखा दे जानि हला एटा गोटे शॉर्ट क्वेश्चन प्राय टाइम पढे तेन करि मु एटा भी कहि देली ओके अच्छा बहुत सारा तो रिएक्शन कही सारी छी लास्ट गुटी मात्र रिएक्शन कही सीए हला बेले बेले गुटे वर्ष ठीक है कष्ट क्वेश्चन पकेया चक्कर रे एटा पकेई थिला बेंजोइन कंडेंसेशन कोन कहली बेंजोइन कंडेंसेशन बेंजोइन कंडेंसेशन रे कोन ना फर्स्ट की जानि था इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कोन कहली ओनली एप्लीकेबल फॉर कहा पाई ना बेंजाल डिहाइड पाई बेंजाल डिहाइड पाई एटा एप्लीकेबल ओके बेंजाल डिहाइड पाई तो कौन हो ना एम के लिखिबो बेंजाल डिहाइड एटा कानिजार ओले रिएक्शन टा बेंजाल डिहाइड ऑन कंडेंसेशन ऑन कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ कौन ना के सी एन पोटासियम सियानाइड ला इन 1:1 सॉल्यूशन ऑफ इथानॉल आ वाटर रो 1:1 सॉल्यूशन रे जदि के सी एन दबो आउ सेथरे में से बेंजाल डिहाइड ला ऑन कंडेंसेशन एति की गिव्स कौन दिए ओटे कंपाउंड दिए ता ना होचि गिव्स बेंजोइन ला बेंजोइन ते कर एई कंपाउंड रो ना अनुसार एटा हेचि कोन बेंजोइन कंडेंसेशन बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन ता केमते लिख एंदे ने जीव बेंजाल डिहाइड एटा हबा एई थेरे आ गोटे मॉलिक्यूल कंडेंस करियो तो आ गोटे मॉलिक्यूल बे सेमति लिखि दबो कोन एमति लिखि देली एच उल्टा करके लिखि देली हबा ठीक अछि एठी गोटे काम करिवो देखो एटा सीएच अछि एठी जो हाइड्रोजन टा अछि याकु या पाकु बॉन्ड सहित देख ट्रांसफर कर छि हाइड्राइड ट्रांसफर बढ़िया तो एठी कोन रिएजेंट लिखिली एचसीएल आप कौन लिखिबी H2O plus C2H5OH इथानॉल पानी आ इथानॉल कोथरे रखिबी 1:1 रेशियो रे जतळ करली एटा कोन हे गला एमिति देखो फिनाइल रिंग ए पट रहला ए जगहटा कोन हे जाउची CH एटा कोन हे जाउची सिंगल बॉन्ड एठी कोन लागला OH हेल वर्तमान एठी कोन हे जीवो सिंगल बॉन्ड कनेक्शन हबो ना ता से तो ना सी डबल बॉन्ड ओ से एपटे के अछि बेंजीन रिंग एटा ना हला बेंजोइन केना कोन बेंजोइन ठीक अछि एति के अछि तमरो बेंजोइन कंडेंसेशन
देखिल एथरे दिटा रिएक्शन कह देला ना ओके अच्छा सभा लास्ट रिएक्शन अच्छा तुम माइंड को केतबेले पर्यंत आसेनी सर आपण एते सारा रिएक्शन कहले चैप्टर रे एते पाठ पढ़ेले काहे तो येटा कहना हंती इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कोन ई रिएक्शन ई चैप्टर रे हुए ना हालो एल्केन हालो आरएन ने दिदीटा लेक्चर देले अल्कोहल फेनोल इथरे दिदीटा लेक्चर रे कहिसंती एथे कोन टोटल ना यस अछि के कहला ना हबनी जीव पड़े हला जेहेतु बेंजाल्डिहाइड अछि सेटा एरोमेटिक एल्डिहाइड तार रहिबो कोन ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन त आमे एबे कोन देखिबा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम कहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओके देखिए कौन कहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ठीक है ठीक रे देख कौन देखिबो ना एमिति मन रखि था एल्डिहाइड हो कीटोन हो ए माने हो चंती मेटा डायरेक्टिंग ता माने मु कौन लेले एठे बेंजाल्डिहाइड ने एटा ना लिख देली बेंजाल डिहाइड हबो गोटी टेबल आकार कर देबि काम सला स्टेटमेंट निजे भी लिख दे परियो बेंजाल्डिहाइड या त लिख देबि मेटा डायरेक्टिंग ला मेटा डायरेक्टिंग और कौन कर देबी ना रिंग डीएक्टिवेटिंग ला तो एथेरे किछ मोर असुविधा नै मेटा प्रोडक्ट हबो गुटी प्रोडक्ट हबो नो मेजर नो माइनर किछ इशू नै तो मु एठी फास्ट कर देली सपोज क्लोरीनेशन काहा काहा प्रेजेंस रे FeCl3 HCl CL2 FeCl3 प्रेजेंस रे या ना कोन हे गला क्लोरीनेशन किए लागि जिवो क्लोरीन ला को जगह लागिवो मेटा पोजीशन इलेक्ट्रोफाइल टा किए सीएल प्लस तो कोन लगे देबी एमते लिख देली सीधा कर देली बेंजाल्डिहाइड सीएचओ ए मेटा पोजीशन रे खाली गोटा क्लोरीन लगे दे या ना कोन हे जिवो मेटा क्लोरो बेंजाल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड हबो अच्छा क्लोरीनेशन हे गले ब्रोमिनेशन आसी जिवो Fe Br3 Br याना कोन हे गला ब्रोमिनेशन ब्रोमिनेशन रे कोन लिखि देबी Br प्लस लागि जिवो तो सेम स्टाइल रो प्रोडक्ट हे जिवो एठे रहला CHO एठे कोन रहिबो Br हे गला काम शेष याना भी मेटा ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड लिखि दो ता परे तमे करि परिबो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लग तो या ना कौन कर दबो नाइट्रेशन नाइट्रेशन रे की आसीबो ना NO2 प्लस लग तो लागी जीवो की एटा CHO एठे कौन लागी जीवो NO2 ठीक अच्छे हबा ओके या ना कौन है जीवो मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड हबो मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड ठीक अछि त एथी खाली कंसंट्रेटेड H2SO4 दे दियो कोन है जीवो सल्फोनेशन सल्फोनेशन के लागिवो SO3 H प्लस इलेक्ट्रोफाइल त लागिवो जदी एथी कोन है जीवो CH एटा कोन है जीवो SO3 H एटा कोन ना है जीवो मेटा फॉर्मिल फॉर्मिल एटा हे जो सब्स्टिट्यूएंट एटा हे जो कोन बेंजीन सल्फोनिक एसिड तमे यार प्रायोरिटी अधिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड हबा अच्छा एटा कर परबी CH3Cl एनहाइड्रोस AlCl3 ताले या को कहिबी फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन हजार थर लेखिलेनी बोली शॉर्टकट रे एफसी लिख दे जी तमे परीक्षा रे एफसी लेखिबनी पूरा लेखिबो फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन त एठी के लागे CH3 प्लस काहा से त लागिबो मेटा पोजीशन रे काहा रो बेंजाल्डिहाइड रो हला त एठी कोन लिखि दबो CH3 याना कोन हे जीवो मेटा मिथाइल बेंजाल्डिहाइड बेंजाल डिहाइड
हबो सेमती फ्रेंडल ट्रैप आइसोलेशन हे पर ला एटा हे जीव CH3 CO Cl एनहाइड्रस Al Cl3 कर दब फ्रेंडल ट्रैप आइसोलेशन प्रैक्टिस करी चलो हेई चलिबो प्रोडक्ट हबो एटा एठे हबो CHO एठे रहला C डबल बॉन्ड O CH3 हबो मेटा पोजीशन रे लगे देला ठीक अछि क्लियर या नाम भी लिख परिबो मेटा एसिटिल बेंजाल्डिहाइड कोन पई कीटोन ग्रुप रा प्रायोरिटी कम एटा को कहम कि एसिटिल ग्रुप तो मेटा रे लिख दबो एसिटिल बेंजाल डिहाइड ओके एतिक थिला तमरो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तम कहे सर एल्डिहाइड रो कले कीटोन रे हवन कीटोन रे हेले तम कोन करिवो अच्छा एटा एंड लिखिलो पूरा सेम रिएक्शन या सहित हे परिवो कीटोन माने कोन CO CH3 या ना कोन हे जीवो एसिटोफेन ला याना कोन हे जीवो एसिटोफेन तो यार भी ए सब तक रिएक्शन समान ला ये भी मेटा डायरेक्टिंग ठीक है मेटा डायरेक्टिंग तो केवल ए सब तक समान रखियो ए सब समान रहियो केवल ए जगह रे कोन हबो CO CH3 बाकी ए गुडा क जेमिति जहा लागि छि सब रहजो ला जानि हला तमे एटा निजे कर दे परियो क्लियर आ गुटी रिएक्शन कहबी सपोज Cl2 टा तमरो अछि एक्सेस ला ताहले कोन प्रोडक्ट हो यदि एक्सेस देथियो बिना एक्सेस रे न बिना एक्सेस रे टा हम सिखि सकि छ ला सब लिखि सला पर एक्सेस रो दुटा रिएक्शन लिख दो एक्सेस देले केतना मेटा पोजीशन अछि दुटा तो मेटा रे के कोन हे जीवो मेटा रे डाइक्लोरोबेंजाइल है बुझ पाल तो दुटा रे को मेटा पोजीशन रे एक्सेस देखिले लगे दो एतिके हला रिएक्शन हबो दिस एंड्स योर थैंक यू ऑल दिस एंड्स योर एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर काली आमे पाए जीवा कार्बोक्सिलिक एसिड रो कोन लेक्चर टोटल प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज तापर क्वेश्चन आंसर आसुछ थैंक यू वेलकम।